हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कमबैक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कहाँ से आती है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है, अभी तक इन्होंने कौन कौन से गियर में कार को चलाया। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका श्रीवास्तव है। ओके, और मानस सिटी से आते हैं। ओके, और कौन सा डे है आज आपका? फोर्थ डे। फ़ोन वहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो उधर निकल जाएगा, यहाँ रख लीजिए, इधर ही कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अभी आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, अभी राइट वाला लैग कहाँ है आपका? इंजन ऑन करने से पहले कहाँ होना चाहिए? ब्रेक पे। राइट वाले की बात, लेफ्ट वाले से क्लच। अभी आपने सीट बेल्ट लगा लिया, सीट एडजस्ट कर ली, राइट वाला मिरर एक बार चेक कर लो, प्रॉपर आपको दिख रहा है राइट वाले मिरर पे और ये लेफ्ट वाले पे? क्योंकि हर बंदे की अलग अलग हाइट होती है, क्योंकि मेरे पास 35 स्टूडेंट हैं तो उसमें सबकी हाइट अलग है, तो किसी की हाइट कम है ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपको सीट एडजस्ट करनी, उसी हिसाब से मिरर सेट करना है। और ये लुकिंग ग्लास देखिए बीच वाला, इसमें आपको बैक साइड दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी क्लच दबा के इंजन ऑन करो, पूरा क्लच दबा के इंजन ऑन करो। हाँ, हो गया। अभी कौन सा गियर डालेंगी आप? फर्स्ट गियर। गुड, अभी सिग्नल किधर का देंगी? राइट का, क्योंकि अभी लेफ्ट का हो रहा है, क्योंकि गाड़ी रोकने के लिए इन्होंने लेफ्ट का सिग्नल दिया था। राइट का सिग्नल दो नीचे को, ताकि पीछे वाले को ये कंफर्म हो जाए कि गाड़ी वापस रोड पर जा रही है। और हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, बस थोड़ा सा और, बस इससे ज़्यादा नहीं, हल्का सा। खड़ी गाड़ी पे जब भी हमको गाड़ी बढ़ानी होती है तो पूरा क्लच नहीं छोड़ना होता। राइट काटो, स्टीयरिंग राइट घुमाओ और घुमाओ। हाँ, बस चलती गाड़ी में जैसे सपोज करो अभी आप चल रहे हो, लेफ्ट आ जाओ, ज़्यादा राइट चलेगी, ज़्यादा गाड़ी है पीछे, आप बहुत ज़्यादा चलेंगे। सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो। राइट वाला पैर देखो आपका हवा में टहल रहा है, पैंडल को प्रॉपर पकड़ के रखना है, आपके पैर और पैंडल के बीच में एक बाल जितना भी गैप नहीं होना चाहिए, तभी टच फील आएगा पैंडल का, एक्सेलेटर और ब्रेक का। जब अभी आपने राइट टर्न किया है तो आपने राइट वाला मिरर नहीं चेक किया था और ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी घुमा दी थी, अभी एक्सेलेटर करो। हाँ, जाओ रेस करो और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट। चलो गुड, अभी जो आपने गियर तो बहुत अच्छा चेंज किया, बट राइट वाला जो आपका हाथ था वो आपने फिर एक्सेलेटर दबा दिया। अभी नहीं, ये ऐसे मिस्टेक करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर कंफ्यूज मत होइए, वन बाय वन करके आप नोट्स बना लीजिए। इसमें ये नहीं कि IAS ऑफिसर है तो जल्दी सीख जाएगा, समझ रहे हैं? इसमें माइंड का गेम है पूरा, आप एक एक चीज़ नोट कर सकती हैं। जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जब गियर चेंज करते हैं डेली, जब आप हाफ एन आवर चलाते हो तो मैं आपको हर एक चीज़ बार बार गाइड करता हूँ। जैसे गियर चेंज करने से पहले जो आपको राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है, राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे आ जाना चाहिए, ताकि स्टीयरिंग आपकी लहराए ना। अभी आपने क्या किया, जब आप गियर चेंज कर रही थी सेकंड, तो आपने लेफ्ट वाले हाथ से गियर खींच रही थी, राइट वाले हाथ से स्टीयरिंग खींच रही थी, तो राइट वाले जब हाथ से स्टीयरिंग खींचोगे तो स्टीयरिंग कहाँ जाएगी? राइट साइड भागेगी, जो कि भिड़ जाएगी फिर, क्योंकि गियर चेंज करने के टाइम स्टीयरिंग एकदम सीधा रहना चाहिए। और जो राइट वाला आपका पैर है वो एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, एक एक सेकंड में आएगा। जैसे कुछ लोग क्या है ना, कि जब मैं कहता हूँ ब्रेक पे पैर रखो तो ना उनका पैर ब्रेक पे होता ना एक्सेलेटर पे होता, वो हवा में टहलता है, तो उसका आपको अंदाज़ा आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे, पुश नहीं करोगे, तब तक कि आपको पैंडल का अंदाज़ा नहीं आएगा। तो यूज़ करने के लिए आपको उसको दबाना पड़ेगा, उस पर पैर लेके जाना पड़ेगा। अभी सामने ट्रैक्टर आ रहा है, राइट रखो, लेफ्ट नहीं राइट, क्योंकि इन लोगों को बचाना ज़रूरी है। अब देखो राइट रखो, राइट, ये देखो कितना सटा दिया आपने, देखा रिक्शे में, क्योंकि आपके माइंड में ट्रैक्टर वाले को बचाने का चल रहा था, आपको लग रहा था कि मेरी गाड़ी ट्रैक्टर में टकरा जाएगी, पर ट्रैक्टर वाला आपको नोटिस कर रहा था, कभी सामने से गाड़ी नहीं टकराती, क्योंकि वो भी तो आपको नोटिस कर रहा है ना। लेकिन अगर ये बंदा जा रहा है ब्लैक टी शर्ट में, इसको अगर आप नहीं बचाओगे तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी, इसको बचाना आपका काम है। फुल राइट रखो, राइट और राइट और जो आपका राइट वाला पैर है वो भी टाइमली नहीं चल पाता है, एक्सेलेटर ब्रेक फटाफट आना चाहिए। ब्रेक लगाना ना लगाना एक अलग चीज़ है, पर पैर आना ज़रूरी है। लेफ्ट आओ, हाँ और लेफ्ट, सीधी करो, जाओ हल्का सा रेस ले लो, राइट रखो, गड्ढा है सामने, ये देखो कितना बड़ा खड्ढा था, देखा 4 feet का खड्ढा है, बढ़ाओ रेस करो हल्का सा। हाँ बस ब्रेक ले लो, ट्रैक्टर को जाने दो, राइट रखो थोड़ा, बस इसको निकल जाने दो, राइट काटो थोड़ा, हाँ बस लेफ्ट, ज़्यादा नहीं मैम, राइट रखो, राइट। अब बिना देखे काट देती, आप मिरर नहीं चेक करते हैं। जैसे अभी आपसे मैंने कहा था राइट काटो, तो क्या आपने शीशा देखा था? नहीं, वो
वैन आ रही थी तभी तो आपको शीशा देखना था ना। राइट रखो, कैसे आपको अंदाजा मिलेगा? राइट रखो, राइट राइट, हाँ हॉर्न हॉर्न। अब अगर आप पहले से थोड़ा हॉर्न बजाते तो शायद वो साइकिल वाला हट जाता। इसमें थोड़ा बिफोर प्लान करना, जितना आप पहले से करोगे उतना अच्छा कंट्रोल हो पाएगी गाड़ी। ब्रेक लो हल्का सा, सामने से ट्रक आ रहा है, ब्रेक लो, हाँ बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तब तक वो भी निकल जाएगा, हम भी निकल, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ राइट रखो हल्का, पूरा क्लच दबाओ, फुल क्लच और ब्रेक, बस अब इसको पहले गियर में करो, पहले गियर में, हाँ बस अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ना है आपको, झटके से नहीं। चलो पहले ब्रेक छोड़ो, मैडम आपने देखो पहले गलती क्या करी, पहले आपने क्लच छोड़ दिया है ना, और ब्रेक बाद में छोड़ा, वो तो मैंने यहाँ से क्लच दबा रखा है, ये देख रहे हो, नहीं तो अभी इंजन बुझ गया होता आपका, ये मैंने यहाँ से क्लच पुश कर रखा है। ब्रेक पहले रिलीज़ करते हैं, क्लच बाद में रिलीज़ करते हैं, अगर गाड़ी स्लोप पे खड़ी है तो पहले क्लच रिलीज़ करेंगे हाफ, उसके बाद ब्रेक छोड़ेंगे। अभी आपने पूरा क्लच दबाया है? नहीं दबाया है, दबाइए ना, मैं दबाए रखा हूँ उधर से, फिर इंजन कैसे फ्री होगा? अकेले जब चलाएंगे तो यही कांड करेंगे, तो गाड़ी हो जाएगी बंद उतनी देर में, और पीछे वाले इतना हॉर्न मारेंगे कि आप ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दबा देंगे। जाओ निकालो, जाओ, वो ट्रैक्टर वाले यहीं खड़े रहेंगे, जाओ जाओ धीरे से, हाँ चलो खिसकाओ धीरे 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 धीरे, देखो राइट, अब ब्रेक दबाए पड़े मैडम, रोक लो, पूरा क्लच ले लो धीरे से, ब्रेक रोक लो रोक लो, देखो क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं हट पा रहे हैं। जॉब बड़ा हो, चलो पहले ब्रेक छोड़ो, पहले ब्रेक रिलीज किया जाता है क्योंकि पावर ब्रेक है, आप क्लच पहले छोड़ने लगते हैं, वो ढलान पे होता है ये चीज, धीरे 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 धीरे, हाँ चलो जाओ छोड़ो, जाओ जाओ, राइट रखो स्टीयरिंग एकदम सीधा, हाँ राइट रखो राइट, हाँ जाने दो धीरे धीरे, स्पीड बढ़ाओ, चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो फटाफट, जाने दो, राइट रखो राइट, स्पीड बढ़ाओ राइट, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से। अब देखो आप मैडम गियर देख रही थी, अगर आप गियर देखोगे उतने में तो गाड़ी टकरा जाएगी, छोड़ो ब्रेक, गियर को देखना नहीं है, इसका पैटर्न बना लीजिए पेपर पेन से, ठीक है, राइट रखो राइट राइट। या गाड़ी जब घर पे खड़ी रहा करे तो थोड़ा सा बैठ के गाड़ी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इंजन मत ऑन करो, गाड़ी में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, जाने दो धीरे धीरे, हाँ हल्का राइट रखो, अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को फुर्ती से, अब देखो आप कितना सोच रहे हो, कितना लेट आपने सिग्नल किया, इतनी देर में तो टकरा जाएगी मैम, चीज़ों को फटाफट करना है, आप सोचने लगते हो, छोड़ो क्लच ब्रेक, जितनी देर सोचने में लगाओगे, अभी अगर मैं स्टीयरिंग नहीं पकड़ता तो क्या होता, सामने ही रिक्शे में टकरा जाती है आपकी गाड़ी जाके, सिग्नल के लिए, हॉर्न के लिए और स्टीयरिंग घुमाने के लिए, इसके लिए सोचना नहीं होता है, सोचने का समय आपको नहीं मिलता है, गाड़ी रोड पर चल रही है, इतनी देर में सोचोगे उतनी देर में तो टकरा जाएगी, सामने वाले को 50 मीटर पहले आप हॉर्न दे के अलर्ट कर दो, ब्रेक पे पैर रखो, और गाड़ी से 50 मीटर 100 मीटर आगे का जजमेंट सोच के चला करो कि आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लो करना है या जो भी, अभी स्पीड बढ़ाओ, राइट वाले मिरर पे नज़र डाला करो जब भी, देखो राइट दबाओ, नहीं दादी गई, क्या करते हो मैडम आप, सीधी करो, आप एक चीज़ करती हो तो दूसरी ब्लैंक कर देते हो, जब दूसरे पे एक ही चीज़ एक टाइम में एक ही चीज़ कर पाते हो, अब देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, देख रहे हो ये उड़ जाएगा सामने वाला, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाओ, राइट खोल कर राइट, ब्रेक पे पैर, हाँ
आपने पैसेंजर पर दिया नहीं दिया, सोचती रह गई आप। इसमें ना सेकंडों का खेल होता है मैडम, एक सेकंड आप लेट हो गए, अगला तो आ रहा है ना, वो घुस जाएगा लेके गाड़ी, अगर आप नहीं संभाल पाओगे टकरा जाएगी। अभी देखो आपने इनको हॉर्न दिया नहीं दिया, ये लेफ्ट में अंकल जा रहे थे, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? हमारी। तो फिर आपने एक भी एक्टिविटी करी उनको बचाने के लिए? उनको पता ही नहीं है कि भाई वो तो अपनी साइड में चल रहे हैं, पर आप या तो इतना सटाके मत निकालो जितना सटाके निकाला है। राइट कॉल का, हाँ ये लेफ्ट में जो रिक्शे वाला है इसको कैसे ध्यान दोगे आपकी, कैसे बचाओगे? नीचे उतर गई गाड़ी है, ज्यादा लेफ्ट दबा दिया आपने। मैडम जब तक आप उस व्यक्ति को पूरी तरीके से ओवरटेक ना कर लो जब तक कि आपको गाड़ी अपनी लेफ्ट नहीं दबानी है, ठीक है? और जब वो बंदा इस लुकिंग ग्लास में दिखने लगे, यहाँ पे आपको दिखने लगे, इसका मतलब वो आपकी गाड़ी के पीछे आ चुका है। स्पीड कम, बहुत ज़्यादा तेज चला रहे हो। राइट ओखोल का, सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड होती है 30, आप चला रहे हो 40। राइट ओखोल का राइट, देखो सामने वाले ने पासिंग डिपर दिया आपको, आपने दिया रिटर्न में कुछ उसको? राइट ओखो राइट स्लो, हाँ राइट ओखोल का हल्का राइट, एकदम से गाड़ी नहीं काटी जाती, जहाँ बैठे वहाँ से 6.5 फीट आगे इसका बोनेट है और 4.5 फीट पीछे, राइट को टकरा जाएगी। हाँ जब आप किसी को ओवरटेक किया करो लेफ्ट वाले मिरर को प्रॉपर तरीके से देखा करो स्लो, कि गाड़ी कहाँ है और आपके बगल में कितनी जगह है, जो अगला बंदा आ रहा है उससे आपकी गाड़ी का डिस्टेंस क्या है। और एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, पैर को जब आप उठाओगे तो पूरा पैर नहीं आएगा, एडी एक जगह रहेगी तो आपका चेंज होगा एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर, ताकि मतलब पैर का डायरेक्शन बार बार चेंज ना हो, एक ही डायरेक्शन पे पैर रहना चाहिए। हल्का राइट रखो ने पेड़ में टकरा जाएगी। हाँ अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को आप, हाँ राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ प्रॉपर, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है? पूरा क्लच दबा लो, फुल क्लच, हाँ ठीक है, और गाड़ी सीधी रखो, हाँ बस हल्का लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट बस, पूरा क्लच दबाया, राइट रखो राइट, ब्रेक मारो धीरे 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 धीरे, दोनों चीज़ दबा के रखना। अभी गियर को न्यूट्रल करो, इसको हल्का सा ऊपर ले जाओ हाफ, बस अभी क्लच और ब्रेक दोनों आप छोड़ सकते हो क्योंकि इंजन फ्री हो गया, आपने डायरेक्ट गाड़ी को गियर से हटा दिया, ठीक है? अभी वापस क्लच दबाओ, वेलकम, चलो पहला गियर करो, गुड। अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, अब धीरे पहले आप ब्रेक छोड़ो फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, चलो धीरे धीरे, चलो चलो धीरे धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ जाओ धीरे धीरे, हाँ ना सीधा जाना है ना, राइट को हल्का, हाँ जाओ बढ़ाओ धीरे, हाँ आप छोड़ो, अब सिग्नल बंद करो, हाँ अभी एक्सेलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर, लेफ्ट ला के पीछे, जल्दी गियर ही नहीं लगा, अब फोर्थ गियर डाल दिया आपने, पीछे खींचो बस, यही तो देखा, रायता फैला दिया ना आपने पूरा, चलो हो गया। अब इतनी देर में सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, सब कुछ कर दिया, और सिंपल पूरा लेफ्ट दबा के सेकंड गियर। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। राइट काटो मैम राइट, नहीं इसके खीरे सारे बिक जाएंगे आज। लेफ्ट आओ लेफ्ट, हाँ जाने दो धीरे धीरे, चलो भगवान आपका भी भला करें। राइट रखो राइट राइट राइट, राइट।